सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलोक महला चौथा, अंतर अज्ञान भई मत मध्यमा, सतगुर की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपहे खपाही, अंतर अज्ञान भई मत मध्यमा, सतगुर की प्रतीत नाही, अंदर कपट सब कपटो कर जाने, कपटे खपहे खपाही, सतगुर का पाणा चितना आवे, अपने सुआए फेराही, कृपा करे जे अपनी, ता नानक शब्द समाही, महला चौथा, मनमुख माया मोहे व्यापे, दूजे पाए मनुआ थिर नाहे, अन दिन जलत रहे दिन राती, हों मैं खपहे खपाहे, अंतर लोभ महा गुबारा, तिनके निकट ना कोई जाहे, ओए आप दुखी सुख कब हुना पावहे, जन्म मरहे मर जाहे, नानक बख्स लाए प्रभ साचा, जे गुर चरनी चित लाहे, पाउड़ी संत भगत परवान, जो प्रभ पाया से विचखण जनता, जिनी हर त्याया, अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक भये पुनीत, हर तीरथ नाया, अमृत नाम निदान भोजन खाया, संत जना की तूर मस्तक लाया, नानक भये पुनीत, हर तीरथ नाया, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वाहे गुरु जी तेरी शरण मेरे दीन दयाल, सुख सागर मेरे गुरु गोपाल, कर कृपा नानक गुण गावे,
है रखो शर्मे असाड़ी जीओ सतगुरु पातशाह साजी सवारी सतसंग जीओ अदब सत्कार सहित फतेह गजाइए जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पावन स्थान सचखंड हरिमंदर साहब श्री दरबार साहब अमृत वेले जो शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ने हुक्म बख्शिश कीता है सोठ के वार विचों है अंक 652 और 53 ते सवायमान है। शब्द का पाठ आप जी ने सतगुरु दे सवारे भाई साहब जी पासों सरवण कीता है। शब्द की विचार इस वेले मुख वाक की असी करनी है अज। धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी का प्रकाश उत्सव भी है। सरबत संगतां नूं बहुत बहुत मुबारक होन। सब तो पहले जो मुख वाक उस दी विचार ये बहुत जरूरी है। आखिर समय विच कुछ इतिहासक विचारां में गुरपुरब के संबंध में विचारां करांगे। आओ शब्द के अखरी अर्थ क्योंकि शब्द की कथा तो शब्द के अर्थ ही ने मुख वाक की कथा की है कि जिहड़ियां पंक्तियां आईयां उन्हां दे अर्थ समझिए उन्हां दे भाव अर्थ समझिए कि अज हुक्म की आया। ये बड़ा जरूरी है कि कथा सुन के जाइए तो हुक्म जिहड़ा है याद हो जाए कि हुक्म अज की आया है विचार अज असी की सुने है। होर गल्लां याद रह जान ते याद ही ना होवे कि हुक्म की आया फिर ते फर्ज पूरा ना होया। हुक्म जो आया है सरवण करो एकाग्र चित होवो एक बार आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु। हाँ जी सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सलोक महला चौथा। इस श्लोक साहेब गुरु रामदास जी का उच्चारण किया होया है जी। अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुर की प्रतीत नाही। असी आम करके गिला करते हाँ मन नहीं टिकता। बंदा ये मनन लई तैयार नहीं कि इस विच मेरा भी कोई गुणा है। मन तो मेरा ही है ना जे नहीं टिकदा नहीं जिवें कोई दूसरे का गुणा है की करां जी मन ही नहीं टिकदा। असल विच कहना यह चाहीदा कि जे बाणी पढ़दे आ मन नहीं टिकदा मेरे मन ने अजे बाणी नूं बाणी मन्निया ही नहीं तां नहीं टिकदा। जिस नूं तुसीं मन लिया ठीक है जिस नाल प्यार है उत्थे ते मन टिकदा। तुसीं एक एक चीज नूं ध्यान नाल वेखो जिस नूं तुसीं ठीक मनदे हो जिस नाल मन दा लगाओ उत्थे ते मन टिकदा। हाँ जो सुनी सुनाई है असल विच बाकी साडा अनुभव है। संसार नाल बंदा मनो जुड़े है उत्थे मन टिकदा। करतार दी गल केवल सुनी है अनुभव नहीं। मन नहीं टिकदा कि बंदे कोल ज्ञान घट है जानकारी घट है। इत्थे एक दो बेनतियां तुहाडे चरणां च करां। अज तुहानू वाहिगुरु आखना भी आउंदा लिखना भी आउंदा सुनन नूं भी मिलदा।
लगभग सारे सज्जन केड़ा नहीं पढ़े आखो इंग्लिश में वाहिगुरु लिख देवे तां लिख दोगे, पंजाबी च लिख दे तां लिख दोगे, हिंदी में लिख दो, होर बहुत भाषावां बंदा जानदा बोल भी देवेगा। एक दिन ऐसा से कि ना कोई कागज से ना कलम से और ना ही लिखना आउंदा से। सच तो है कि बोलना भी नहीं सी आउंदा, बंदे नू दया लिखनी नहीं सी आउंदी, बोलनी नहीं सी आउंदी, पर दया है सी। हुण जे भुख लिखनी ना आवे तो भुख है नहीं, लगदी नहीं। जिहड़े पशु पंखी भुख लिख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, प्यास नहीं लगती, भुख नहीं लगती, लगती है। जिस दिन संतोख लिखना नहीं सी आउंदा, संतोख है सी। दया नहीं सी लिखनी आउंदी, दया सी। इनू प्रेम लिखना बोलना नहीं सी आउंदा, पढ़िया ही नहीं सी, पर प्रेम है सी। अज लिखना तो बहुत आ गया, प्रेम लिखना आ गया, पर जे अंदर ना होया तो लिखिया भी की करेगा। प्रेम अंदर ही ना होया, प्रेम अखर ते नहीं ना, प्रेम तो उस सता है जो अंदर दी खिचा। प्रेम बोलना आ गया, हर कोई कहिंदा मैं प्रेम करदा, पुत्र कहिंदा मैं प्रेम करदा, बाप कहिंदा मैं प्रेम करना, मां कहिंदी मैं प्रेम करदी, भैन कहिंदी मैं प्रेम करदी हां, हर एक ही प्रेम करता है। हद हो गई फिर नफरत कितों आ गई, वैर कितों आ गया, हर एक ही तो प्रेम करता है। प्रेम कहना आ गया हिरदे विच नहीं, दया कहनी आ गई हिरदे विच नहीं। कदी राम अल्लाह वाहिगुरु कहना नहीं सी आउंदा, पर बंदा जुड़िया सी, बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किसी अगे कीचे अरदास, उही अवस्था है। होया कि जानकारी तो बहुत आ गई, पढ़ते बहुत गया, हुण मुश्किल अज जड़ी है वो की है, ज्ञान बहुत है, कम बिल्कुल नहीं आ रहे है। ते जिहड़ा तुहाडे कम ना आवे, वेले सिर कम ना आवे, वो जैसा होया जैसा ना होया। दौलत ते है पर वेले सिर कम ना आई, जानकारी ते है कम ना आई। एक ज्ञान है कि अखर पढ़ने नहीं आए, लेकिन एक ज्ञान है कि अखर पढ़ने ते नहीं आए, लेकिन जो अखरा राही कहना सी उसके अंदर है। वो बंदा बटपागा, ना दया पढ़नी आउंदी होवे दयालु होवे, ना संतोख पढ़ना आउंदा होवे संतोखी हो। गुरु साहब ने तां ही कहा तैनू रब आखना भी ना आउंदा होवे, रब तेरे अंदर होवे। जो प्राणी गोविंद ते आवै, पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै। ते जेड़े पढ़े बहुत ज्यादा उन्हां नू कहा लिख लिख पढ़िया ते तक कड़िया, वो तीर्थ भवया ते तो लवया, वो पेकिया देही दुख दिया। पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डिया खात। ज्ञान ते बहुत हो गया, लेकिन ज्ञान का जेड़ा मसला सी वो हल ना होया। इत्थे के अंतर अज्ञान, एक अज्ञान ते वो है कि अखर पढ़ने नहीं आउंदे, एक अज्ञान वो है जिन्हू अविद्या के है, चेतनता नहीं। कबीर मन जाने सब बात, जानत ही अवगन कर, जानदा अवगन फिर हो रहे ने। हाथ ते दीवा खूह विच फिर छाल मार रहे, खूह विच फिर गिर रहे। धन गुरु रामदास जी ने वेखिया कि बहुत सारे ऐसे ने, बाणियां याद ने, झुकदे भी बहुत ने, बैठते भी हैं। मैं पंक्तियां तुहानू सुना दिया, सतगुरु जी कहते ने, पर अंदर उन्होंने कपट साकत जाए निवें गुर आगे,
मन खोटे कूड़ कूड़ आ रहा है। जां गुरु कहे उठो मेरे भाई, गुरु कहंदे ने भरावो उठो जाओ सेवा करो, सिमरन करो, नितनेम करो। जदों गुरु ऐसा हुक्म कहंदे ने बह जाए घुसर बगलारे, बगलिया वांगू घुसर के बैठ जांदे ने, उठदे नहीं। गुरसिखां अंदर सतगुर वरता है, पर गुरसिखां दे अंदर ते गुरु वरतदा उठदे ने, क्योंकि गुरु भी सेवा च हुंदा है, सिख पहले ही तैयार है। गुरु ने हुक्म कीता, वह कहिंदा सत बचन जी। गुरु दे अंदर प्रेम है, सिख दे अंदर भी प्रेम है। गुरु दे अंदर कुर्बानी है, सिख दे अंदर भी कुर्बानी है। जहां गुरु कहे उठो मेरे भाई, उठ के कहंदे ने सिर भी हाजर है, क्योंकि गुरु अंदर वरत रहे है। पर जिन्हां दे अंदर कपट वरत रहे है, छोटी जी साखी वाले इशारा करके अगे ही चलना। बड़ी प्रसिद्ध साखी है गुरप्रताप सूरज ग्रंथ 100 साखी विच उसका उल्लेख है। आए कुछ सिख बड़ा चूम चूम के कीर्तन करन, दशमेश पिता ने वेख्या ये जरा सिर मारना है, झूमना है अंदरों नहीं, ये बाहरों ही है। क्योंकि गुरु तन नहीं मेरा वेखते, गुरु नीयत वेखते ने, मन वेखते। क्यों भाई गुरसिखो, बड़ा वैराग तुहानू आउंदा, अथरू भी वहिंदे ने, कहन लगे महाराज दुनिया नासवां, बस तुहाडा प्रेम सच्चा, हुण ते बस ए बंधन कट दिओ, कृपा करो अपने चरणा जोगा ही बना लो, सदा ही तुहाडे चरणा च रहिए। साहब कहन लगे कमाल तुहाडा प्रेम। तीन दिन का मेला सी आनंदपुर, सतगुरु तीन दिन होए तो वह छुट्टियां मंगन लई खुशी बख्शो जी। कहन लगे नहीं, तीन दिन वधा दिते ने, होर कीर्तन सुनाओ। फस गए बेचारे, हुण अंदरों तो गल है नहीं सी, कोल कोल गल्लां करन कोई आके पशु भुखे मर जाणगे, की गा सतगुरां कीता। तीन दिन वधा दिते, एक दिन ही वधा लैंदे। एक कहे दुकान का की बनेगा, बच्चे तो अजे पता नहीं, गाहक लुट के लै जाएंगे। कोई कुछ आखे, कोई कुछ आखे, कोई आखे मेरा ये काम ये काम। पर तीन दिन होर बतीत हो, मुश्किल नाल दशमेश पिता कहते हैं तीन दिन होर वधा दित, हुण ते मुसीबत बन गए। जिहड़ा आगू सी ना, बह जाए घुसर बगलारे है ते वो सन, वह कह लगा जाना है कि इतने ही झूर झूर के रोना जे। कह लगे जाना तो है, निहंग सिंह खड़े बरछा लैके गेट अगे, हुक्म है तो बाहर ना जाए तो जाइए किवें। कह लगा कढ़ांगा मैं अपनी सियाणप ते। जदों भरोसा होवे ना बंदा दे अंदर, होवे शाल अंदर, होवे कपट, वह समझदा मैं दुनिया नूं ते धोखा देना, मैं गुरु नूं भी दे लांगा, मैं रब नूं भी दे लांगा। एक कालम ने बड़ा सुंदर कहा सी, खुदाया हफ्स के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर के क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। वो तो समझदा बाकी सब कुछ बेचे है, रब का भी सौदा कर लवेंगे। कीता के सुन के हैरान हो जाओगे, दशमेश पिता दे होंदे आ लिया एक फटा, जिउंदे बंदे नूं उत्ते पाया, चिट्टा कफन पाया, ते मुर्दा बना के चुक लिया कि गेटों बाहर लै चलिए, संस्कार बहाने फिर सुट के दौड़ जावांगे। पढ़ दे जान वेखो, धोखे विच बाणी भी शामिल, सेवक की ओढ़ कि निभे प्रीत, वह उत्ते मुर्दा बन के पे है, चुके जा रहे थे। दशमेश पिता उन्हें कौन छले अगों ही आ गए, कह लगे कौन चढ़ाई कर गए है, ना लिया। कह लगे जे कर ही गए है, पाना तो मनना ही पैना, रखो मैं तो अजे दर्शन ही नहीं किए, कि कर गए है, मूँह तो नंगा करो, बाकी भी सब विखाओ भाई। विखाया हूँ महाराज लै जाइए। कह लगे बाहर कहनू ले जाने, ये नाल मेरा बड़ा प्रेम है, इतने ही चिखा चिन के इतने ही संस्कार करांगे। हुण ते बेचारे फस गए कि हुण की करिए, वह भी दब घुट के पे आ, सतगुरां चिखा चना दी और अजे तक पिया रहा कि शायद कोई भाणा वरत जाए। गुरु साहब ने चो एक बलदा मंगवा लिया, अग जदों लाई ना, उन्हें कहा हुण जरूर मरना है,
है ते बगला ही सी ना उठ के दौड़े ते बादशाह कहन लगे वाह धन कमाई तुहाडी भाई किथे गए तुहाडे अथरू ते किथे गया सिर मारना तुहाडा जो करदे सो पए बगले निकले। इत्थे पातशाह ने सच कहा भगत रविदास जी ने भी एक बचन कहा वो कहंदे ने माधो आ विद्या हित कीन बवेक दीप मलीन। बवेक दा दीवा मलीन हो गया कैंची लेंदे सां गुल कटदे सां नहीं ते दीवा जड़ा सी रोशनी देना बंद कर देंदा सी। बवेक दा दीवा मलीन हो गया बंदे दे अंदर बुद्ध ते बड़ी है सुध कोई नहीं। जपजी साहब पढ़दे हो मन्ने सुरत होवा मन बुद्ध मन्ने सगल भवन की सुध। चेतनता अंदरों जागरता आ जाए वो कोई नहीं। अंतर अज्ञान भई मत मध्यम अंदर अज्ञान है मत दा दीवा जड़ा मध्यम पै गए वो रोशनी मध्यम पै गई उस नाल फिर हुंदा कि यह सतगुर की प्रतीत ना ही। हुण आखर उन्हें यही सोचा कि सतगुरु साडा बुरा चाहते हैं कि दशमेश पिता मेरा सतगुरु आया दा बुरा चाहेगा सतगुरु सबना दा भला मनाएगा अपने बच्चों का कौन बुरा चाहता। जिन्ना साडे लई पुत्र भी कुर्बान कर दिते हो साडा बुरा चाहणगे नहीं। सतगुरु चाहते ने साडियां दुकाना बंद हो जा सतगुरु चाहते ने साडियां खेतियां सुक जान सतगुरु चाहते ने साडे पशु ना जिंदा रहन। सतगुर की प्रतीत ना ही जे प्रतीत ना होवे एक पंक्ति होर सुन लो न्यूना की है झुकना की है तुद नो निमन कौन मनन तेरा नाउ। जिन्ना नाम मनिया वो झुकते ने नहीं ते अपराधी दूना ने वह जो हुंता मिर्गा मिर्ग मारन वाला शिकारी कि मैं चुक चुक के गोड्या भार तुरदा सीस निवाया क्या थी हृदय कुसुद जाहे। जेकर अंदर कपट अंतर अज्ञान भई मत मध्यम सतगुरां ने वेख्या उस वेले बहुत ऐसे सन जिन्हां दा यह हाल सी अज भी घाट नहीं यह सदा ही रहनगे। ये दवाई भी कम आएगी तुहानू बेनती करा सज्जन ठग दे पुड़ी जड़ी कम आई है ना वो पुड़ी अज भी कम आ रही है। कौड़े राकश दे जड़ी कम आई गुरु साहब कहन लगे खाना ही है ते अपना अज्ञान खा खाना ही ते वकार खा जा बंदे खा रहे। भूमिए चोर दे दवाई जड़ी कम आई अज भी है कह देता चोर सलाह रब दी सिफत कर भूमिया साध बन के कर चोर बन के ना कर। जज दे सामने चोर उदी सिफत करे तेरा खानदान बड़ा चंगा मां चंगी नानी चंगी छड़ देवेगा निंदा करे ते छड़ देवेगा। चोर सलाह है चीत ना पीजै जे उदी निंदा करे जे बदी करे तो तशु ना सीजै। चोर की हामा भरे ना कोई चोर की आ चंगा क्यों होए। परमात्मा दी सिफत सलाह करन तो पहले गुरु दी प्रतीत जो बिन प्रतीते कूड़े कूड़े कपटे अखी मीट दे उनका उतर जाएगा झूठ गुमान। कहो भयो जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो। इत्थे फरमारे ने अंतर अंध ज्ञान अंदर है हिरदे च अज्ञान ते मत जड़ी सी मध्यम पै गई। कर्म ते होने ने मत नाल मत मैली है ते कर्म मैले। बेनती करा मत मैली दृष्टि भी मैली मत मैली स्रोत भी मैली। ये जो बाहर है ना खिमा करना है ती जड़ अंदर है बाहर पत्ते नजर आउंदे ने तना नजर आउंदा है जड़ा नजर नहीं आउंदियां। जड़ा गुप्त ने तुहाडा कड़ा कंगा केस कृपान कशहरा इहदी जड़ की है। बाणे की जड़ है बाणी अंदर जड़ कायम है बाहरों पत्ते हरे हां फिल्मां च ऐसा हो जांदा हुणे ही बूटा लाया वड्डा हो गया फल भी लग गया हकीकत विच नहीं हुंदा।
हाँ ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक का बूटा ले लिया जाए तो छो महीने बाद फुल भी सोहने लगते हैं, कई बार तो पछाने नहीं जाते, असली फिके पै जाते, वो रंग बड़ा वधिया हुंदा पर सुगंधी नहीं हुंदी। कर्म कांड जो बाहरों बाहरों है ये तो प्लास्टिक दे फुल ने, असली तो अंदरों आउणगे। पहलों दे जड़ अंदर जम्मे तो उपर होवे छाऊं, अंदर बाणी। गुरु साहब ने जिहड़ा सख नूं बाणा दिता है तो इंज जिवें बीज बीजिया गया, बूटा उग गया, उहदे विचों फुल निकलिया। इहदी जड़ अंदर आ। सतगुरु फरमा रहे ने अंतर ज्ञान भय मत मदम, मत मदम हो गई फिर आउंदा जरूर है लेकिन प्रतीत नहीं। सतगुर की प्रतीत ना आई आ, शब्द न लागो पाओ, उसनों सुख ना उपजाए भावे सौ